चिंतन शिविर के बाद अब बीजेपी राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतने का फॉर्मूला तैयार करने में जुट गई है। आपको बता दें कि जयपुर में गुरुवार से 3 दिन के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो रही है। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम 4 बजे जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद शाम को कोकस के होटल लीला में राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक लेंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को अलग अलग टास्क दिए जा सकते हैं। इससे पहले बुधवार शाम को जयपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने एक बार फिर पार्टी का स्टैंड साफ किया है। उन्होंने राजस्थान को लेकर स्थिति साफ कर दी है कि राजस्थान में भी चुनाव पीएम फेस और केंद्र की योजनाओं पर लड़ा जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान में पिछली वसुंधरा सरकार की योजनाओं की नहीं पीएम मोदी के चेहरे के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार करके नेताओं के वोट लेने का टास्क दिया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर बीजेपी ने अपना काम शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।